नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में तो आज हम आपके लिए डिटेल्स लेकर आए हैं सबसे बेस्ट वर्ल्ड वाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आपको देने वाला है एक फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर तो आज हम बात कर रहे हैं मेटा यूनिवर्स के बारे में जिसके ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू तो आपका ज्यादा समय लिए बिना डायरेक्टली यदि हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिटेल्स की बात करें तो मेटा यूनिवर्स एक हंड्रेड परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने वाला हंड्रेड परसेंट डिसेंट्रलाइज और हंड्रेड परसेंट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर इनका जो मेन एजेंडा है वो है पूरी कम्यूनिटी के लिए फ्यूचर प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन एक्सचेंज डेफी वॉलेट एनएफ टी वेब थ्री पॉइंट ओ ए आई टेक्नोलॉजी मेटावर्स एंड आई सी ओ लिस्टिंग की सभी तैयारी करना जिससे कि आप इस जेन्यन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी ड्रीम्स को अचीव कर सकें यदि हम बात करें विजन एंड मिशन डिटेल्स के बारे में तो सिस्टम का मिशन है कि डेवलप एंड डिप्लॉय किया जा सके कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को और इनोवेटिव सॉल्यूशंस जिससे कि हर एक इंडिविजुअल बिजनेस एंड कम्युनिटीज एंपावर हो सके आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं काफी जल्द काफ़ी अमेजिंग प्लेटफॉर्म फीचर्स भी जैसे कि एक्सचेंज गेमिंग वेब 3.0, पॉइंट ओ डेफी वॉलेट एन एंड मच मोर जैसा कि मैंने आपको बताया मेटा यूनिवर्स एक 100% परसेंट डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं यदि उसकी हम बात करें तो दोस्तों जो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पर आपको कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है वहाँ पर होता है एडमिन का इंटरवेंशन यहाँ पर कुछ लोग ऑपरेट करते हैं सिस्टम को और इस वजह से सिस्टम कभी भी क्लोज हो सकता है लेकिन वहीं यदि हम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि मेटा यूनिवर्स है तो आपको देखने को मिलती है हंड्रेड परसेंट ट्रांसपेरेंसी ना कोई होता है एडमिन यहाँ पर कोई भी सिस्टम को ऑपरेट नहीं करता है क्योंकि ये है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड और नेवर एंडिंग प्रोग्राम के तहत आपको लाइफ लॉन्ग अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है डायरेक्टली यदि हम बात करें मेटा यूनिवर्स के वॉलेट कनेक्ट कंपैटिबिलिटी के बारे में तो दोस्तों मेटा यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं इन सभी वॉलेट्स को जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं आप ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट या फिर मेटा मास्क इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके अपनी अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यदि हम बिजनेस एंड इनकम प्लान की बात करें तो यदि आप भी मेटा यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी इनिशियल स्टार्टिंग कर सकते हैं दस बी के पैकेज के साथ जो कि है कमांडर अब इसके बाद वन बाय वन रैंक अपग्रेड का भी आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पर तीस बी से लेजेंड साठ बी से रेलिक एक सौ बीस बी यू एस डी से ऑल माइटी दो सौ चालीस बी यू एस डी से टाइटन और चार सौ अस्सी और अबव बी यू एस डी के माध्यम से इमोटल रैंक में भी अपग्रेड करके आप अपनी अर्निंग को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं तो जैसे ही आप अपनी इनिशियल स्टार्टिंग कर लेते हैं दस बी यू एस डी के साथ तो आपकी रैंक होती है कमांडर अब आगे बढ़ते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया मेटा यूनिवर्स एक, एक ऐसा बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने यूजर्स को दिया जाता है हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ इनकम्स के रूप में आपको मिलता है जहाँ पर रेफरल एंड अपग्रेड के रूप में बीस लेवल इनकम के रूप में पंद्रह इन दोनों वर्किंग इनकम को मिलाकर टोटल पैंतीस परसेंट आपको वर्किंग इनकम का बेनिफिट मिलता है अब इसके बाद जो चार इनकम्स है वो है नॉन वर्किंग इनकम जो कि है टू बाय टू मैट्रिक्स बीस परसेंट मैट्रिक्स बोनस पंद्रह परसेंट रोबोटिक ऑटोपूल पंद्रह परसेंट और टू बाई टू रोबो स्लॉट्स के रूप में पंद्रह परसेंट का बेनिफिट मिलने वाला है यानी कि नॉन वर्किंग इनकम के रूप में पैंसठ परसेंट मिलाकर टोटल हंड्रेड परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूजर्स को दिया जाता है अब यदि हम बात करें रैंक अचीवमेंट और विदड्रॉल क्राइटेरिया के बारे में तो दोस्तों जब आप अपनी इनिशियल स्टार्टिंग करते हैं दस बी एस के साथ तो आपकी रैंक होती है कमांडर यहाँ पर आपको कोई भी रेफरल करने की ज़रूरत नहीं है अब आपकी जो वर्किंग इनकम होती हैं वो आपको हंड्रेड प्रोवाइड कर दी जाती हैं लेकिन जो नॉन वर्किंग इनकम है उसमें से चालीस आती है आपके विदड्रॉल वॉलेट में और साठ चली जाती है अपग्रेड वॉलेट में जिससे कि आपके नेक्स्ट अपग्रेड के लिए इसे यूज़ किया जा सके अब जब आपका तीस भी यू के साथ अपग्रेड होता है लेजेंड रैंक में तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट रेफरल करना जरूरी है जिसके बाद पचास बेनिफिट आपका जाता है विड्रॉल वॉलेट में और पचास अपग्रेड वॉलेट में देन जब आप साठ भी यू के साथ अपग्रेड करते हैं रैलिक रैंक में तो यहाँ पर आपको टोटल दो रेफरल्स करना जरूरी है जिसमें से विड्रॉल वॉलेट में जाता है साठ परसेंट का आपका विड्रॉल अमाउंट और अपग्रेड वॉलेट में चालीस परसेंट इसी प्रकार से ऑलमाइटी टाइटन और इमोटल रैंक की कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई हैं तो दोस्तों इस प्रकार से वर्किंग इनकम हंड्रेड आपके पास आती है और जो नॉन वर्किंग इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं अब सबसे पहले यदि हम बात करें आपको मिलने वाले रेफरल एंड अपग्रेड बेनिफिट के बारे में तो दोस्तों पूरे 20 परसेंट का यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इसका मतलब ये है जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करते हैं हर एक व्यक्ति से उनके स्टार्टिंग अमाउंट यानी कि दस भी का आपको बीस बेनिफिट मिलता है रेफरल बेनिफिट के रूप में इतना ही नहीं आपकी जो टीम होती हो आपके ही नीचे प्लेस होती है और इस प्रकार से आप अनलिमिटेड रेफरल तो कर ही सकते हैं लेकिन आपके जो रेफरल्स हैं जब भी वो अपना नेक्स्ट रैंक में अपग्रेड करते हैं तो उससे भी आपको बीस परसेंट मिलता है आपके रेफरल एंड अपग्रेड बेनिफिट के रूप में तो इस प्रकार से आप भी रेफरल एंड अपग्रेड बेनिफिट के रूप में अनलिमिटेड बेनिफिट ले सकते हैं आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें आपको मिलने वाली लेवल इनकम के बारे में तो पूरे पंद्रह परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है जो कि पूरे छः लेवल्स के माध्यम से आपको मिलने वाला है तो लेवल टू से पाँच लेवल थ्री से चार लेवल फोर से तीन लेवल फाइव से दो और लेवल सिक्स से पूरे एक आपको मिलते हैं लेवल इनकम के रूप में अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें आपको मिलने वाले रेफरल एन लेवल बेनिफिट की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में तो पूरे छः लेवल से आपको इसका बेनिफिट मिलता है जहाँ पर अगर आप पाँच मेंबर्स को भी डायरेक्टली रेफर कर देते हैं और उसके बाद जब ये पाँच मेंबर्स डुप्लीकेट होते जाते हैं यानी कि फाइव बाय फाइव मैट्रिक्स के बेसिस पर जब आपके छः लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 2.5 तो पॉइंट फाइव लैक बी से भी ज़्यादा अर्निंग करने की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें यदि हम डिटेल में बात करें तो जब आपकी इनिशियल है दस बी एस के साथ और सबसे पहले आपका रेफरल लेवल जिसमें आप मेंबर्स को डायरेक्टली रेफर करते हैं तो आपको मिलता है बीस परसेंट का बेनिफिट यानी कि पर मेम्बर से आपको मिलते हैं दो बी जिससे कि आपकी टोटल इनकम हो जाती है दस बी की लेवल टू की यदि हम बात करें तो जब यहाँ पर टोटल पच्चीस मेंबर्स हो जाते हैं क्योंकि आपके लेवल वन के पाँच मेंबर्स अपने अंडर में पाँच पाँच मेंबर्स लाते हैं तो टोटल पच्चीस मेंबर्स हो जाने पर आपको मिलता है पाँच परसेंट का बेनिफिट यानी कि पर मेंबर से जीरो पॉइंट फाइव बी यू एस टी जिससे कि टोटल इनकम आपकी हो जाती है ट्वेल्व पॉइंट फाइव बी यू एस टी की इसी प्रकार से लेवल थ्री में 125 मेंबर्स की टोटल टीम होने पर आपको बेनिफिट मिलता है चार परसेंट का जहां पर पर मेंबर से इनकम मिलती है 0.4 पॉइंट फोर की और टोटल इनकम आपकी हो जाती है 50 बी दोस्तों इसी प्रकार से यहां पर जब ये सभी छः लेवल कंप्लीट हो जाते हैं जिनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है आपको टेन बी यू के पैकेज से टोटल इनकम मिलती है पूरे दो हज़ार की जो कि काफ़ी बड़ा बेनिफिट आप इन्जॉय करने वाले हैं

इसके बाद आपके टीम मेंबर्स जब भी अपना अपग्रेड करते हैं तीस बी यू के पैकेज के साथ तो अगेन सिक्स लेवल से आपको इस इनकम का बेनिफिट मिलता है जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई हैं डायरेक्टली यदि हम आपको हर एक पैकेज से मिलने वाले टोटल रेफरल एंड लेवल इनकम डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर तीस बी यू के पैकेज के सभी लेवल्स कम्प्लीट होने पर आपको इनकम मिलती है सात हज़ार तीन सौ बयालीस पॉइंट पाँच बी यू की जब आपके टीम मेंबर्स अपग्रेड करते हैं साठ बी यू के साथ तो आपको टोटल इनकम मिलती है चौदह हजार छह सौ पिचासी की एक सौ बीस बी एस डी के सभी पैकेजेस लेवल इनकम तीन सौ सत्तर दो सौ चालीस टोटल इनकम मिलती है अट्ठावन हजार सात सौ चालीस यूएसडी की और जब आपके मेंबर्स 480 चार सौ पैकेज से अपग्रेड करते हैं और जब सभी छह लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो टोटल एक लाख सत्रह हजार चार हाँ, सौ अस्सी यूएसडी आपको मिलने वाले हैं आपकी बहुत शानदार रेफरल इन लेवल इनकम के रूप में अब आगे बढ़ते हुए यदि हम आपको मिलने वाले टू बाय टू मैट्रिक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर टू बाय टू मैट्रिक्स के बेसिस पर टीम्स फॉर्म होती हैं और लाइफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्निंग करने की तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर टू बाय टू मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप दो लाख बी से भी ज़्यादा की अर्निंग लेने वाले हैं

की हर एक से मिलते हैं 0.40 USD टोटल इनकम हो जाती है 1.6 USD की इसी प्रकार पूरे 15 लेवल की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है जिसके कंप्लीट होने पर 2061 USD की एक बहुत ही अच्छी इनकम आपको यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स के रूप में मिलने वाली है अब इसके बाद जब भी आपके टीम में से कोई भी 30 बी यू के साथ अपना अपग्रेड करते हैं तो अगेन पूरे 15 लेवल से आपको इसका बेनिफिट मिलता है जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं डायरेक्टली यदि हम आपको मिलने वाली टोटल इनकम की बात करें तो 30 बी यू के सभी लेवल्स कंप्लीट होने पर आपको टोटल इनकम मिलती है छः हजार एक सौ भी यू की साठ बी यू पैकेज के सभी पंद्रह लेवल्स कम्पलीट होने पर आपको टोटल इनकम मिलती है बारह हज़ार की एक सौ बीस के पैकेज के सभी पंद्रह लेवल्स कंप्लीट होने पर आपको टोटल इनकम मिलती है चौबीस हज़ार सात सौ बत्तीस बी यू एस की दो सौ चालीस बी यू एस के सभी लेवल्स कंप्लीट होने पर आपको यहाँ पर इनकम मिलती है उनचास हजार चार सौ बी यू एस डी की और जब चार सौ अस्सी बी यू एस वाले पैकेज के सभी पंद्रह लेवल्स कम्प्लीट हो जाते हैं तो पूरे अंठानवे हज़ार नौ सौ की इनकम आप अर्न करने वाले हैं टू बाई टू मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास है दो लाख बी से भी बहुत ज़्यादा की इनकम अर्न करने की दोस्तों टू बाई टू मैट्रिक्स के बेसिस पर जो 20 परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है एक डिटेल्ड स्टेयर केस डिस्ट्रीब्यूशन मैथड के माध्यम से अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें आपको मिलने वाले मैट्रिक्स बोनस के बारे में तो टोटल पंद्रह परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होता है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है बारह करोड़ बी से भी ज्यादा की इनकम अर्न करने का दोस्तों मैट्रिक्स बोनस को लेने के यदि हम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है आपकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो जितनी भी टू बाय टू मैट्रिक्स इनकम अर्न करते हैं छः लेवल से उसका सर्टिन परसेंटेज आपको मिलता है मैट्रिक्स बोनस के रूप में तो सबसे पहले यदि हम 10 बी यू से स्टार्ट करें तो दोस्तों फर्स्ट लेवल जो कि आपका डायरेक्ट लेवल है इसमें पाँच मेंबर्स होने पर आपको मिलता है टू बाई टू मैट्रिक्स जो कि आपके टीम मेंबर्स ने अर्न की है उसका पचास परसेंट यानि कि पर मेंबर से आपको मिलते हैं पाँच बी यू एस टी टोटल इनकम हो जाती है पच्चीस बी यू एस टी की लेवल टू में पच्चीस मेंबर्स की टीम होने पर आपको मिलता है दस परसेंट का इनकम बेनिफिट पर मेंबर से मिलते हैं एक बी यू एस टी टोटल इनकम हो जाती है पच्चीस बी यू एस टी की इसी प्रकार सभी छः लेवल की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं जिससे कि इन सभी के कम्प्लीट होने के बाद पाँच हज़ार नौ सौ अट्ठासी बी यू एस डी की टोटल मैट्रिक्स बोनस आपको मिलने वाला है सिमिलरली जब आपके टीम मेंबर्स अर्न करते हैं 50 भी यूएसटी तो उसके बेसिस पर जो आपको इनकम मिलती है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है तो यहाँ पर भी जब सभी छः लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी टोटल इनकम होती है उनतीस हजार की जब आपके टीम मेंबर्स अर्न करते हैं सौ बी यूएसडी तो सभी लेवल्स कंप्लीट होने पर आपकी टोटल इनकम हो जाती है उनसठ हजार की जब आपके टीम मेंबर्स की अर्निंग होती है दो सौ पचास भी यूएसडी की टू बाय टू मैट्रिक्स के माध्यम से तो आपके सभी लेवल्स कंप्लीट हो जाने पर टोटल इनकम हो जाती है एक लाख उनचास हजार छह सौ अठासी बी यूएसटी की पाँच सौ बी यू एस डी की टू बाई टू मैट्रिक्स से इनकम होने पर टीम मेंबर्स की आपको छः लेवल्स कंप्लीट होने पर टोटल इनकम मिलती है दो लाख निन्यानवे हज़ार तीन सौ पचहत्तर भी यू एस डी की जब आपके टीम मेंबर्स अर्न करते हैं टू बाई टू मैट्रिक्स के माध्यम से एक हज़ार बी यू एस डी तो आपकी टोटल इनकम सभी छः लेवल कम्प्लीट हो जाने के बाद हो जाती है पाँच लाख अंठानवे हजार सात सौ पचास भी यू एस डी की और टू बाई टू मैट्रिक्स के माध्यम से जब आपके टीम मेंबर्स दो लाख बी यू एस डी की अर्निंग करते हैं जो कि काफ़ी आसानी से वो अर्न कर पाते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाली जो टोटल इनकम हो जाती है वो होती है करीबन ग्यारह करोड़ संतानवे लाख पचास हजार बी की जो कि एक बहुत ही बड़ी इनकम आपको मैट्रिक्स बोनस के रूप में मिलने वाली है अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हुए यदि हम आपको मिलने वाली रोबोटिक ऑटोपूल इनकम की बात करें तो पूरे पंद्रह परसेंट का इनकम बेनिफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ऑटोपूल यहाँ पर ग्लोबली वर्क करता है और इसके माध्यम से जितनी भी टीम आपके अंडर में फॉर्म होने वाली है वो ग्लोबल लेवल पर ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है तो रोबोटिक ऑटो पूल इनकम के माध्यम से आप 8.5 लाख फाइव बी से भी ज़्यादा की इनकम अर्न करने वाले हैं जहाँ पर पूरे 10 लेवल से आपको इसका बेनिफिट मिलता है तो सबसे पहले यदि हम दस बी के स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो फर्स्ट लेवल में जब आपकी तीन मेंबर्स की टीम होती है तो आपको इनकम मिलती है दो की यानी कि पर मेंबर से आपको मिलते हैं जीरो पॉइंट टू जीरो यू एस टी और आपकी टोटल इनकम हो जाती है छः भी यू एस टी की इसी प्रकार से लेवल टू में नौ मेंबर्स की टीम होने पर आपको इनकम मिलती है दो परसेंट की पर मेंबर से आपको मिलते हैं ज़ीरो पॉइंट टू जीरो यू एस टी यानी कि आपकी टोटल इनकम हो जाती है वन पॉइंट एट यू एस टी की इसी प्रकार से सभी दस लेवल की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं जहाँ पर जब ये सभी दस लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आठ हज़ार जितनी एक बहुत ही अच्छी इनकम आप अर्न करने वाले हैं रोबोटिक ऑटोपूल के माध्यम से अब दोस्तों इसके बाद जब आपके टीम यूजर्स तीस बी यूएसडी के साथ अपना अपग्रेड करते हैं तो अगेन पूरे दस लेवल से आपको यहाँ पर इनकम बेनिफिट मिलता है जिनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं डायरेक्टली यदि हम टोटल अमाउंट की बात करें तो यहां पर दस लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको टोटल इनकम मिलती है छब्बीस हजार की जब आपके टीम मेंबर्स अपग्रेड करते हैं साठ बी के साथ तो सभी दस लेवल कंप्लीट होने पर आपको इनकम मिलती है तिरपन हजार की एक सौ के पैकेट पैकेज के सभी लेवल्स कंप्लीट होने पर आपको टोटल इनकम मिलती है एक लाख छः हज़ार सात सौ बाईस भी यू एस सी की दो सौ चालीस भी यू एस डी के सभी पैकेज लेवल कंप्लीट होने पर आपको टोटल इनकम मिलती है दो लाख तेरह हजार चार सौ चवालीस भी यू एस सी की और जब आपके मेंबर्स चार सौ अस्सी भी यू एस डी के पैकेज से अपग्रेड करते हैं और जब सभी 10 दस लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो चार लाख छब्बीस हज़ार आठ सौ अठासी भी यू एस डी जितनी बहुत ही बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है रोबोटिक ऑटो पूल के माध्यम से जहाँ पर जितना भी पंद्रह परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी कंप्लीट दस लेवल की डिटेल्स स्टेयर केस डिस्ट्रीब्यूशन मैथड के माध्यम से आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है अब आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें आपको मिलने वाले नेक्स्ट बेनिफिट यानी कि टू बाय टू रोबो स्लॉट्स के बारे में तो यहां पर पूरे पंद्रह परसेंट का बेनिफिट मिलता है जहां पर जितनी जल्दी मैट्रिक्स में आप अपग्रेड करते हैं जो भी सिस्टम में फर्स्ट अपग्रेड कर लेते हैं उनकी जो रैंक है वो फर्स्ट पर हो जाती है यदि हम इसे काफ़ी आसानी से डिटेल के माध्यम से समझें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फ़्लो का कंप्लीट स्ट्रक्चर चार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले यदि आपका पैकेज है दस बी यू का यानी कि कमांडर रैंक तो दोस्तों स्लॉट इनकम होती है वन पॉइंट फाइव बी यू की यानी कि यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो के माध्यम से समझें तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्लेस होते हैं आपके अंडर में आता है आपका डायरेक्ट रेफरल ए और बी अब पर्सन ए से आपको मिलते हैं 1.5 पॉइंट बी यू एस जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं पर्सन बी से जो आपको 1.5 पॉइंट बी यू एस मिलते हैं उससे आपकी एक रीबर्थ आई प्लेस हो जाती है ए के अंडर में तो इस प्रकार से अब आपकी जो रीबर्थ आई प्लेस होती है उसका 1.5 पॉइंट बी यू एस मिलता है पर्सन ए को और पर्सन ए के नीचे ही जो पर्सन सी है उससे एक और रीबर्थ आई प्लेस हो जाती है जो कि आपके नीचे आ जाती है इसी प्रकार से यदि हम पर्सन बी की बात करें तो यहाँ पर डी एन ई उनके नीचे जो प्लेस होते हैं उसमें से एक का अमाउंट कम्प्लीटली विड्रॉल के लिए अवेलेबल होता है और एक के से अगेन डी के नीचे रिबर्थ आई डी लग जाती है तो दोस्तों इसी प्रकार से स्लॉट वन कमांडर जो कि दस बी यू एस डी का है यहाँ पर वन पॉइंट फाइव बी यू एस डी के अनुसार पंद्रह परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है इसी प्रकार यदि हम बात करें नेक्स्ट पैकेज यानी कि 30 बी यू से अपग्रेड करने पर लेजेंड रैंक के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर स्लॉट इनकम होती है 4.5 पॉइंट बी यू की यानी कि 30 बी यू में यहाँ पर 15 परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है जिसकी अगेन कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि लेजेंड स्लॉट में फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एंट्री की है किसी भी पैकेज से अब आपके पहले यदि आपके डाउनलाइन मेंबर्स अपग्रेड कर लेते हैं तो अब वो आपके अपलाइन पर आ जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लॉट में जो भी व्यक्ति पहले अपग्रेड करता है वो प्रीमियम रैंक अचीव कर जाते हैं तो दोस्तों इसी के बेसिस पर बाकी सभी रैंक की डिटेल्स स्ट्रक्चर के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई हैं जहां पर अगर हम स्लॉट्स इनकम की बात करें तो साठ बी यूएसडी से रैलिक रैंक में अपग्रेड करने पर स्लॉट इनकम होती है नौ बी यूएसडी की एक सौ बीस से ऑल रैंक पर अपग्रेड करने पर स्लॉट इनकम होती है अठारह बी यूएसडी की दो सौ चालीस से टाइटन रैंक पर अपग्रेड करने पर स्लॉट इनकम होती है छत्तीस बी यूएसडी की और चार सौ अस्सी से मोटर रैंक में अपग्रेड करने पर बहत्तर बी यूएसडी यहाँ पर इनकम होती है और इसी प्रकार से इमोटल के बाद दस बी से अगेन कमांडर रैंक में आप आ जाते हैं जहां पर अगेन 1.5 पॉइंट की स्लॉट इनकम होती है तो इस प्रकार से अगेन एंड अगेन इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो के माध्यम से आपको इनकम बेनिफिट मिलने वाला है जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है तो इस प्रकार से इन सभी इनकम्स के माध्यम से आपके जितने भी ड्रीम्स हैं जैसे कि ड्रीम हाउस बैंक बैलेंस फॉरेन ट्रिप ड्रीम कार एंड एजुकेशन आप इन सभी को पूरा कर सकते हैं और दोस्तों मेटा यूनिवर्स की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इंक्लूडेड है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉक चेन क्रिप्टो करेंसी मेटावर्स एंड मचमो डायरेक्टली यदि हम बात करें कोर टीम के बारे में तो सिस्टम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर एलेक्स मिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस कैटरीना और मार्केटिंग मैनेजर हैं मिस्टर डेमी वॉल्टर इसी के साथ साथ मेटा यूनिवर्स का खुद का कॉइन यूनिवर्स कॉइन काफी जल्दी यहां पर लॉन्च होने वाला है जहां पर प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है कॉइन नेम है यूनिवर्स कॉइन सिंबल है यू एन कॉइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बी पी ट्वेंटी डेसीमल नंबर एटीन टोटल कॉइन सप्लाई है पचास करोड़ की कॉइन लॉन्चिंग प्राइस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव डॉलर और वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट सिमिलरली यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर दिखाई गई हैं, जहाँ पर अवेलेबल सप्लाई का 50% परसेंट अलॉटेड है एयरडोप के लिए 10% परसेंट चैरिटी फंड 15% परसेंट प्रमोटर 5% परसेंट सेल एंड एफिलियट सप्लाई के लिए 10% परसेंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म गेम एंड एन एफ टी के लिए और रिमेनिंग दस परसेंट अलॉटेड है फाउंडर्स एंड क्रिएटर्स के लिए तो दोस्तों इस प्रकार से मेटा यूनिवर्स के ग्रैंड लॉन्च के साथ यूएसए नाइजेरिया दुबई मलेशिया ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड इंडिया नेपाल चाइना पाकिस्तान एंड ग्लोबल लॉन्चिंग के माध्यम से आपको यहां पर ग्लोबल बेनिफिट मिलने वाला है जहां पर स्क्रीन पर आपके सामने दिखाया गया है कंप्लीट रोड मैप दो जनवरी में हुई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग दो जुलाई में होने वाली है वर्ल्ड वाइड लॉन्चिंग दो हजार में व्हाइट पेपर प्री सेल्स टेकिंग एयडोप क्रिप्टो वॉलेट और इसी प्रकार 2026 तक की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई गई हैं, हैं। जिससे कि आपको मिलने वाले यदि हम कुछ important terms and conditions की बात करें, तो मिनिमम विड्रॉल होता है 5 बी का कोई भी विड्रॉल चार्जेस नहीं है दस से आप कर सकते हैं अपनी ज्वाइनिंग जिस पर आपको मिलते हैं पूरे एक फ्री यू एन भी टोटल 25 करोड़ कॉइंस है फ्री कम्युनिटी के लिए बेस्ड करता है बी ब्लॉकचेन पर और पेमेंट मेथड है बी तो इस प्रकार से ये थी सभी डिटेल्स मेटा यूनिवर्स के इस अल्टीमेट प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसे बी एस सी स्कैन पर स्कैन करके आप जान सकते हैं कि मेटा यूनिवर्स है 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म तो दोस्तों यदि आप भी मेटा यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में हैं और भी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट मेटा यूनिवर्स डॉट कॉम पर धन्यवाद